राधे राधे दोस्तों, आज मैंने ये आलू दही की बहुत ही चटपटी सी सब्जी बनाए हैं जो बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आपके पास उबला हुआ आलू हो तो इसे सब्जी को 10 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे गर्म होगा आधे चम्मच जीरा आधे चम्मच मेथी डाल के तड़का लेंगे। जैसे हमारा तड़का तड़क जाएगा उसके बाद से यहीं पे 3 सूखी मिर्चें डालेंगे और तीखे के लिए यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कट किया हो उसे डाल लेंगे। 6 से 7 लहसुन की कलियाँ कट किए हैं इसे भी डाल लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है, अब यहीं पे कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएगा आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जाएगा यहाँ पर धनिया पाउडर। गैस के फ्लेम को हम एकदम से लो रखेंगे क्योंकि सूखी मसाले हैं, नहीं तो जल जाएगी। 2 मिनट भूनेंगे तो आप देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से भून चुका है। अब यहीं पे हमने 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। तो ये सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा रहता है तब भी सब्ज़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी ऐड किए हैं। उसके बाद से देखिए, हमने यहाँ पर 7 से 8 उबला हुआ आलू लिए हैं। इसे तोड़ के इस तरह से थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में सारे ग्रेवी के अंदर डाल लेंगे। तो हमने आलू को पहले ही उबाल के रखे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे आलू को डाल लिए। उसके बाद इसे मिक्स करेंगे, मिक्स कर देंगे। गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और सब्जी में एक अच्छी सी उबाल आने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी में बहुत अच्छी सी उबाल आ चुकी है। अब यहीं पे हमने आधी कटोरी ताजी दही लिए हैं, इसे अच्छे से फेंट लिए हैं। अभी सारे दही को इसके अंदर डालेंगे। तो हम एक बार में सारे दही को नहीं डालेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा करके हम दही को डालेंगे और चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारी दही फट जाएगी। तो देखिए, हम थोड़ा थोड़ा दही को डालते जाएंगे और अच्छे से चलाते जाएंगे। तो आप एक बार में दही कभी भी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा और चलाते जाइएगा और सब्ज़ी में अच्छी उबाल आनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है, आप यकीन मानिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से करके सारे दही को हम अपने ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। तो देखिए, हमने सारे दही को डाल दिया, अब अच्छे से इसे पकने देंगे। तो इसे 5 मिनट और खौला लेंगे। देखिए दोस्तों, सब्जी हमारी पक चुकी है। अब यहीं पे हम नमक ऐड करेंगे, नमक पहले ऐड नहीं करेंगे नहीं तो दही फट जाएगी। तो यहाँ पर स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद से हम गैस को कर देंगे बंद और थोड़ी सी लास्ट में फिनिशिंग करेंगे धनिया पत्ता से। तो देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी हो चुकी है। अब गैस को कर देते हैं बंद और ये सब्जी को बनाते हुए मात्र हमें 10 मिनट लगी है। तो आप भी बनाइए और इंजॉय कीजिए रोटी पराठे के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।